मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो इंटर्नशिप से रिलेटेड है। जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में कोई इंटर्नशिप है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंटर्नशिप कैसे करना है, आपको इंटर्नशिप किस तरह से करना है और कौन सा इंटर्नशिप कहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों आप अपने सिलेबस को देखते होंगे तो वहाँ पे आप लगभग सारे ब्रांच वाले को 4 वीक का एक इंटर्नशिप करना है। बस एक इसी ही ब्रांच है उनका टोटल 2 वीक का ही इंटर्नशिप करना है। दोस्तों आपको किस तरह का इंटर्नशिप करना है आप अपने मन से कोई भी इंटर्नशिप मत कर लेना, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में जमा करनी होती है। आप जब कॉलेज में जमा करने जाओगे तो ऐसा ना हो कि आपका कॉलेज है वो सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट ही ना करे। तो आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लो कि आपको किस तरह का इंटर्नशिप करना है, क्योंकि आप सिलेबस को देख होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप लिखा है, लेकिन आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप अभी अपने ब्रांच का कोई भी कोर पेपर नहीं पढ़े हो। आप जाओगे इंटर्नशिप करने फालतू का आपका टाइम लॉस होगा और फिर आपका सेमेस्टर भी गड़बड़ाएगा। तो इसलिए बहुत सारे कॉलेज हैं वो बोलते हैं कि बाबू तुम कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो और उसी का सर्टिफिकेट है वो एज ए इंटर्नशिप आप जमा कर सकते हो। तो आप इस बात से कॉलेज को क्लियर करवा लें कि आपको किस तरह का इंटर्नशिप करना है। जो भी आपके कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जो भी आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है, वहाँ पे जाके मिलिए कि सर हमें थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना है तो हम किस तरह का इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो वो आपको कोई ना कोई सजेशन देंगे कि बाबू। तो अगर टिपलो आपको बोलेगा कि ऑफलाइन इंटर्नशिप करना है, आपको इंडस्ट्रियल विजिट टाइप का इंटर्नशिप करना है, तो फिर आपको कॉलेज से NOC बनवाना पड़ेगा और जो भी इंटर्नशिप की एजेंसी है, जो भी सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग आपको ऑफर करेंगे, तब जा करके आपका इंटर्नशिप मिलेगा, तब आप इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन जब वो बोलेंगे कि आपको ऑनलाइन कोई इंटर्नशिप करके दे सकते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है जिसे आप करके उससे सर्टिफिकेट लेकर के आप कॉलेज को जमा कर सकते हो। दोस्तों इंटर्नशिप में जो जरूरी होती है वो आपका सर्टिफिकेट ही मैटर करता है। आपने क्या सीखा वो आप तक ही सीमित रहती है। कॉलेज में बस एक वाइवा छोटा सा होता है, उसमें आप जो भी सीखे हो उससे थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो मैटर करता है वो सर्टिफिकेट है और एक रिपोर्ट होती है। तो कॉलेज अगर सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट ना करे तो हमारा इंटर्नशिप का क्या मतलब है। तो आप एक बार कॉलेज से क्लियर करवा लें कि आपको किस तरह का इंटर्नशिप करके देना है। दोस्तों आप सारे लोग को कॉलेज के थ्रू IIT कानपुर के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करवाई गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बहुत बार होता क्या है कि वो सर्टिफिकेट है वो कॉलेज इंटर्नशिप के रूप में जमा ले लेती है और इसका बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में कोई इंटर्नशिप नहीं करना पड़ता है। तो आप ये सारी बातें हैं वो कॉलेज से एक बार पूछ लेना, अगर वो ले लेती है सर्टिफिकेट तो फिर आपको इंटर्नशिप करना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं लेता है तो फिर आपको करना पड़ेगा। मैं कुछ कोर्स है वो ब्रांच वाइज बता देता हूँ कि आप ये सारी कोर्स है वो इंटर्नशिप के रूप में कर सकते हैं, और आपको कुछ प्लेटफॉर्म भी बता देता हूँ जहाँ पे आपको ये सारी इंटर्नशिप मिल जाएगी। सबसे पहले सिविल ब्रांच के बारे में बात करें तो सिविल ब्रांच वाले आप चाहे तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक IoT होता है वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑटो कैड का कोर्स है, ये इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना भी आगे है, तो चाहे तो आप इसे इंटर्नशिप के रूप में ये कोर्स है वो कहीं से कर सकते हैं और इससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसे अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। उसके बाद हम मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बात करें तो मैकेनिकल वाले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे ब्रांच के लिए नेसेसरी होता है, तो आप चाहे तो सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, उसके बाद मशीन लर्निंग है, IoT है, ये सब कोर्स आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या फिर सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके बारे में बात करें तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, सी लैंग्वेज कर सकते हैं, C++ कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, उसके बाद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम का कोई कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, आप ये सब कोर्स को पढ़ सकते हो। हम CSE और IT ब्रांच के बारे में बात करें तो CSE और IT वाले के पास भी बहुत सारा इंटर्नशिप कोर्स अवेलेबल है। आप चाहे तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लीजिए, आप सी लैंग्वेज कर लीजिए, सी प्लस कर लीजिए, जावा है, पाइथन है, ये सब कर लीजिए, या फिर आप इथिकल हैकिंग कर लीजिए, साइबर सिक्योरिटी कर लीजिए, मशीन लर्निंग का कोई कोर्स कर लीजिए, फिर रोबोटिक्स का ट्रेनिंग का कोई कोर्स है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप चाहे तो कोई भी कोर्स को करके इंटर्नशिप के रूप में एक सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हो और वो अपने कॉलेज में जमा कर देंगे तो आपको नंबर है वो मिल जाएंगे। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, क्या ये सारे कोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाले हैं।
आप IIT से करोगे तो वहाँ पे थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता है। लेकिन आप किसी प्राइवेट से करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़े कम पैसे में ये कोर्स है वो अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ जेन्यून जो इंटर्नशिप का प्लेटफॉर्म है वो आपको बता रहा हूँ जिससे कि बच्चे लोग इंटर्नशिप करते हैं। दोस्तों इसमें आप सबसे पहले जा सकते हैं इंटर्नशाला पे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो अपना इंटर्नशिप करते हैं, आप उस पर थोड़े विश्वास करके इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके बाद है एक लेरी क्लियस है, आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो, ये ट्रस्टेड है। दोस्तों मैं सारे जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड होने का कोई डर नहीं रहता है जिससे बहुत सारे बच्चे करते हैं इंटर्नशिप। उसके बाद में आप IIT कानपुर है वहाँ पे समर इंटर्नशिप बीच में होने वाला है, आप वहाँ भी अटेम्प्ट ले सकते हो वहाँ पे, लेकिन होगा कि आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। उसके बाद स्प्लेन टेक्नोलॉजी है वहाँ से भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके बाद में एक सेम टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो कोर्स है वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ से बाई करके आपको प्रॉपर ढंग से वो पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना होगा और फिर आपको एक सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। आप जैसे चाहोगे वैसे उनसे बात करके अपना डील है वो कर सकते हो। दोस्त कुछ लोग के मन में सवाल उठता होगा कि हम पेड इंटर्नशिप करेंगे, हम इंटर्नशिप करेंगे उसके बाद बदले में हमें कुछ पैसे मिलेंगे, तो ऐसा करने के लिए आपको खोजना पड़ेगा इंटर्नशिप, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए आपको कुछ अच्छे कंपनी है वहाँ पे देखना होगा जहाँ पे इंटर्नशिप आता है, और अगर आया हुआ रहेगा तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आपको इंटर्नशिप मिलेगा और उसके बदले में आपको स्टाइपेंड मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ये सब इंटर्नशिप आपको सर्टिफिकेट के लिए करके दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सब जानकारी मिल सके, और कोई भी जानकारी चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।